चंडीगढ़ में किसान भवन में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक अहम बैठक की गई है। इस बैठक में किसान आंदोलन के चलते आगे की रणनीति के बारे में विचार चर्चा की गई। किसान नेताओं ने कहा कि किसान संगठन देश भर में प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत पर दुख जताया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ बैठक में 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को देश भर के किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत करने का फैसला किया। चंडीगढ़ से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। और आंदोलन में इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से हरियाणा सरकार जिस तरह से प्रचार कर रही है वो गलत है। और क्या आपका एसकेएम जो है वो एसकेएम देखो हमारा तो पूरा सपोर्ट है। एसकेएम कोई किसान से अलग नहीं है, हमारा पूरा सपोर्ट उन किसानों के साथ में और हमेशा हम रहते हैं। हमारे पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। हमने कल भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डीएम के यहाँ पे हमारे प्रदर्शन थे, ट्रैक्टरों के साथ में थे और सुबह हमारी हर रोज मीटिंग है। और जो ये अत्याचार हो रहा है और जो एसकेएम के सवाल है, हमारे सबके मुद्दे एक है किसानों। बॉर्डर का हाल चाल जानना पहुंचो के बॉर्डर पे जाओगे खनौरी या शंभू बॉर्डर पे जाओगे? अभी जो मीटिंग यहाँ पे तय होगी उसी के आधार पे काम करेंगे।